साफ कर रही है, उनकी मरम्मत कर रही है, ताकि यात्रा के अब आने वाले यात्रा के समय श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई नहीं होगी बाबा तक पहुंचने में। वो निष्कंटक दीवारों की एक श्रृंखला को खड़ा कर रहा है और ये जो है यहाँ आगे और देखते हैं क्या क्या है। ...2013 की आपदा के बाद कुछ वैसे लोग जिन्होंने सबसे पहले केदारपुरी में कदम रखा उनमें से एक थे योगेंद्र राणा, और योगेंद्र राणा हमारे साथ हैं। इन्होंने 2013 की वो त्रासदी, वो प्रलय भी देखा है और आज वो पुनर्निर्माण में भी शरीक हैं। हम लोग इस समय एटीवी में बैठे हुए हैं, इसको ऑल टेरेन व्हीकल बोलते हैं, और इस तरह के पहाड़ी इलाकों में पथरीले रास्तों पे चलने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा साधन नहीं है। क्यों देवेंद्र जी? जी, ऑल टेरेन व्हीकल बनाया है इस अल्टीट्यूड के और इस तरीके की जगहों के लिए बनाया गया है, जहाँ पे कि नॉर्मल गाड़ियाँ जो है वो काम नहीं कर पाती हैं, तो ये काम कर रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि जब 17 जून की शाम को हम पहुंचे। अच्छा योगेंद्र जी, वो 2013 की वो तबाही जब ये पूरी तरह से केदारपुरी तबाह हो गई थी और इसके आगे क्या फर्क देखते हैं? उस तबाही के दौरान जितने भी पायलट्स और जितने भी लोग आसपास के जितने जो टूरिज्म ट्रैवलर टूरिज्म व्यवसायी जितने भी व्यवसायी थे या जितने भी पायलट थे सब लोग इतनी मौत होगी ये तो मरकट बन चुका था। फिर आज क्या लगता है? पिछले साल तो ठीक ठाक आज लोग आए। कर्नल कुटियाल ने जब ये टास्क लिया केदारनाथ को बनाने का उस टाइम हम लोग भी थोड़े भौचक्के थे कि यार ये कैसे कर पाएंगे, बट हमको भी था कि अगर ये टास्क कम्प्लीट होता है और यात्रा एक बार चालू हो जाती है तो ये यात्रा मतलब ये पिलग्रिमेज जो है धरे पे आ जाएगा, चारधाम यात्रा अपने धरे पे आ जाएगी और थोड़ा भी अगर चलना शुरू करेगी तो इकोनॉमिकली हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो क्या क्या काम हो चुका है? बाकी सरकारी डिपार्टमेंट ने ये बोल दिया था कि इसको 15 दिन से 20 दिन लगेंगे इसको इंस्टॉल करने में। किलोमीटर लंबा नया रास्ता तैयार हो गया। चार मई 2014 को जरूरत थी। केदारनाथ में वायुसेना के हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के उतरने की अभी कोई जगह नहीं थी जो सामान ला सके, रोका जा सकता था। लिहाजा ये फैसला हुआ कि कुछ छोटे ट्रैक्टर, ऑल टेरेन व्हीकल और छोटी जेसीबी पैदल रास्ते से लाई जाएं, 4 से 6 फुट चौड़े पैदल रास्ते से। फैसला तो हो गया लेकिन ये काम आसान नहीं था, पर एनआईएम के जांबाजों ने भी हार नहीं मानी। शुरू में जब हम लोग यहाँ पे आए तो पहले तो हम कर रहे थे कि मैन्युअली अपनी ताकत से काम करें, फिर धीरे धीरे हमें लगा कि अगर किसी तरीके से मशीनों को ला सकते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी काम की। तो फिर हमने पहले लाए छोटे ये ऑल टेरेन व्हीकल पोलरिस कंपनी की, फिर उसके बाद में ये जेसीबी कंपनी से बात करी तो इसको ना नीचे डिसमेंटल करा गया केजी का, उसको फिर हम लोग मैन्युअली उठा करके उस टाइम पे लेकर के आए जब यहाँ पे रास्ता नहीं होता था। 950 केजी यानी कि लगभग 1 टन। जब मन में लगन और कठोर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता, इन जाबाजों ने ये साबित कर दिया। कई जगह तो उफनते धारों के क्रशर का वजन लगा 450 केजी, हमें लगा थोड़ा ज्यादा होगा, फिर उसके बाद जब बोले के आ गए फिर हमें कहा ऑल टेरेन व्हीकल आ सकती है, फिर उसके बाद लगा ये आ सकती है, इसके बाद में फिर वो बड़ी वाली ये 2DX जेसीबी, इसका तो 1350 केजी वजन था जेसी का, उससे ज्यादा वो टूट नहीं सकती थी एक्चुअली, फिर वो आ गई ऊपर। अब उसके बाद में फिर ये ट्रॉली सब इसीलिए लेके आए कि थोड़ा ना काम की स्पीड कैसे बढ़ सके। 6 महीने यहाँ पे वर्किंग पीरियड होता है, तो हमारा प्लान ही यही है कि इस बार हम 100% एफिशिएंसी से तो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंडीशन ऐसी है। तैयारी ये कर रखी है कि अगर हम 10 में से 60% भी काम कर लेते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम ना बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है अगली बार यात्रा के लिए। हाँ वो चीज मतलब अगली बार